मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। लिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है और उसके फादर को उस पर बहुत नाज होता है, इसलिए वो लिन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। अब जब उसके फादर स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल उनसे कहती है कि यहाँ की फीस बहुत ही ज्यादा है, क्या आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जब लिन उनसे बात करती है तब उसके जवाब और कैलकुलेशंस को सुनकर प्रिंसिपल उसे बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे फ्री में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब अगले दिन लिन स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंडशिप एक लड़की से होती है। वो लड़की पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए लिन उस लड़की की पढ़ाई में हेल्प करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद जब एग्जाम होता है तब लिन उस एग्जाम में टॉप करती है। साथ ही साथ लिन की फ्रेंड जो हर बार फेल हुआ करती थी वो भी अब लिन की वजह से अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। दरअसल लिन ने उसे चीटिंग में हेल्प करके पास करवाया था। एग्जाम में पास होने की वजह से लिन की फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। रिजल्ट की खुशी में लिन अब अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां जाने पर उसे उसका एक दोस्त बताता है कि भले ही तुम्हें यहां तुम्हारी पढ़ाई और इंटेलिजेंस की वजह से स्कॉलरशिप मिली हो, लेकिन तुम्हारे फादर ने भी एक बहुत बड़ी रकम स्कूल में जमा की है। अब घर जाकर जब लिन स्कूल की रसीद देखती है तब उसे पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है, उसके फादर ने सच में स्कूल में एक बहुत बड़ी रकम भरी है। ये सब देखकर लिन काफी इमोशनल हो जाती है। वो अपने फादर से पूछती है कि पापा मुझे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत थी। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने फादर की बातें सुनकर लिन ये फैसला करती है कि अब वो ढेर सारा पैसा कमाएगी और अपने फादर की हेल्प करेगी। लेकिन वो ये सब कैसे करेगी उसे कोई आइडिया नहीं था। अब कुछ दिनों बाद लिन की मॉम का बर्थडे होता है। दरअसल उसकी मॉम की कई साल पहले डेथ हो चुकी थी। लिन अपनी मॉम को याद करके पियानो प्ले कर रही होती है, तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है। उसकी क्लास में सभी स्टूडेंट्स बहुत अमीर थे, इसलिए वो उन बच्चों को अपने घर बुलाती है जो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पा रहे थे। वो उन सबसे कहती है कि मैं तुम सबको अच्छे नंबरों से पास करवा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम सबको मुझे कुछ पैसे देने होंगे, जिस पर सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब लिन उन सबको बताती है कि मेरी उंगलियों को ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा करूं तो इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन ए, अगर मैं ऐसा करूं तो ऑप्शन बी, और इसी तरह सी और डी। अब सभी बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को याद कर लेते हैं। अब देखते ही देखते कुछ दिनों बाद एग्जाम का टाइम आ जाता है। लिन अब अपनी उंगलियों के इशारों से सबको आंसर बताना शुरू करती है और सभी बच्चे उन इशारों को समझकर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं और इधर लिन के अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लिन ने स्कूल में टॉप किया था और लिन के बाद सबसे ज्यादा नंबर से पास करने वाला स्टूडेंट था बैंक। दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम होता है टीम जीनियस। अब चूंकि दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे इसलिए वो इस कंपटीशन को जीत लेते हैं। स्कूल आने पर प्रिंसिपल दोनों से बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों की वजह से स्कूल का काफी नाम हो चुका था। वो उनसे कहती है कि देखो वैसे तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों ने आज स्कूल का नाम रोशन कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें से किसी एक को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सिंगापुर में स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, लेकिन ये डिसाइड तुम दोनों को करना है कि तुम में से कौन वहाँ जाएगा। अब हमें यहाँ बैंक के फैमिली बैकग्राउंड को दिखाया जाता है। बैंक अपनी मॉम के साथ रहा करता था जिनकी माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इसीलिए बैंक पढ़ाई में इतनी मेहनत किया करता था क्योंकि उसे पता था कि अब सिर्फ पढ़ाई उसे इस गरीबी से निकाल सकती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का बैंक से उसके नोट्स मांगता है, लेकिन बैंक उससे कहता है कि नहीं मैं अभी तुम्हें नोट्स नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करना है। जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम बहुत ही मतलबी हो, किसी की मदद नहीं करते। लिन को देखो वो सबकी मदद करती है, वो सिर्फ अपने नोट्स ही नहीं देती बल्कि हमारी एग्जाम में मदद भी करती है। अब उसकी ये सब बात सुनकर बैंक काफी शॉक हो जाता है। अब एग्जाम हॉल में वो भी ये चीज नोटिस करता है कि लिन सच में सबको चीटिंग करवा रही थी। बैंक ये बात क्लास टीचर को भी जाकर बता देता है। अब कुछ देर बाद लिन को प्रिंसिपल के कैबिन में बुलाया जाता है। वहाँ बैंक पहले से ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद हम वहाँ लिन के फादर को भी देखते हैं। वो प्रिंसिपल उनसे कहती है कि आपकी बेटी सबको एग्जाम में चीटिंग करवाती है और इसके बाद वो उन्हें खूब भला बुरा कहने लगती है। लिन ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और अपने प्रिंसिपल से कहती है कि आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे फादर को इस पे घसीटने की क्या जरूरत है। अब लिन के इस बिहेवियर से प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे सिंगापुर वाले स्कॉलरशिप देने से मना कर देती है, जिस पर लिन उनसे कहती है कि ठीक है मत भेजिए मुझे सिंगापुर, और इसके बाद वो अपने फादर के साथ वहां से चली जाती है। घर जाने पर उसके फादर उसको बहुत डांटते हैं, लेकिन तभी कुछ देर बाद लिन को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे मिलने एक होटल में जाती है जहाँ वो उसे एक इंटरनेशनल एग्जाम में उसकी हेल्प करने को कहती है क्योंकि इस एग्जाम से उसकी लाइफ बदलने वाली थी और वो चाहकर भी इस एग्जाम को खुद से क्लियर नहीं कर सकती थी। वो लिन को उसके एक मेल फ्रेंड के पेरेंट्स से भी मिलवाती है जो लिन को उस एग्जाम के लिए ढेर सारे पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन लिन इसके लिए साफ मना कर देती है। अब जैसे ही वो होटल से बाहर जाने लगती है रिसेप्शन में उसे अलग अलग टाइम जोन में सेट की हुई कुछ घड़ियां दिखती है। उसे देखकर लिन को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि इंटरनेशनल एग्जाम पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाला है और सभी कंट्री का टाइम अलग अलग है, इसलिए क्यों ना जिस कंट्री में एग्जाम सबसे पहले होने वाला है वहां से उस पेपर को
देखकर उसे अगली टाइम जोन वाली कंट्री के एग्जाम में लीक कर दिया जाए। अब इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड और उसके मेल फ्रेंड को यह प्लानिंग बताती है। वो उनसे कहती है कि ये एग्जाम टाइम जोन के हिसाब से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, इसलिए मुझे इस एग्जाम को देने ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। वहां जाकर मैं आंसर तुम में से किसी एक को टेक्स्ट कर दूंगी, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बैंक की भी जरूरत होगी और बैंक बिना पैसों के ये काम नहीं करने वाला, इसलिए हमें ढेर सारे पैसे भी चाहिए होंगे। तभी लिन का फ्रेंड एक ग्रुप बनाता है और उन सबको जिन्हें एग्जाम पास करना था उन सबको एग्जाम में पास होने के बदले पैसे देने को कहता है। सभी पैसे भेजने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये पैसे एग्जाम पास होने के बदले कुछ भी नहीं थे। अब इसके बाद लिन का रिच फ्रेंड सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि एग्जाम में सिर्फ चार ही चीजें अलाउड है, आपका पासपोर्ट, क्वेश्चन पेपर, इरेजर और पेंसिल। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग इस एग्जाम में चीटिंग कैसे करेंगे। दरअसल सारे आंसर्स को पेंसिल के बार कोड में छुपाया जाएगा। बार कोड की सबसे मोटी लाइन का मतलब होगा ऑप्शन ए, उससे पतली लाइन का मतलब होगा बी और इस तरह सी, और सबसे पतली लाइन का मतलब होगा ऑप्शन डी। ये प्रिंटेड पेंसिल्स आप सबको एग्जाम होने के पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। अब चूंकि ये एग्जाम तीन फेज में होने वाला था, इसलिए प्लान ये था कि लिन और बैंक हर फेज के एंड में वॉशरूम के बहाने से आंसर को अपनी किसी दोस्त को टेक्स्ट करेंगे जो कि आगे पेंसिल पर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। अब लिन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाकर दोनों फेज का आंसर सेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तीसरे फेज का आंसर टाइप करने में बैंक को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और इतनी देर तक बाथरूम में रहने की वजह से इन्विजिलेटर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो बाथरूम में घुसकर बैंक को ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। तभी अचानक बैंक का फोन उसके हाथ से छूट जाता है और वो हड़बड़ी में उसे फ्लश कर देता है। उधर दूसरी तरफ जब लिन बाथरूम में जाती है तब वहाँ पहले से इन्विजिलेटर मौजूद थी, इसलिए वो आंसर सेंड नहीं कर पाती। एग्जाम हॉल में वापस आने पर बैंक अपनी सीट पर नहीं होता। ये देखकर लिन बहुत घबरा जाती है, उसे अब यकीन हो चुका था कि बैंक जरूर अब पकड़ा गया है, लेकिन लिन को किसी भी हाल में आंसर तो सेंड करना ही था, इसलिए वो आंसर्स को पेपर में लिखकर उसे याद कर लेती है और इसके बाद वो अपनी पेंसिल को अपने मुंह में डालकर वॉमिट कर देती है। इन्विजिलेटर के पूछने पर वो उसे बताती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं एग्जाम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, और ऐसा कहकर वो एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद वापस वही इन्विजिलेटर लिन का पीछा करता हुआ स्टेशन तक आ जाता है, जिसने थोड़ी देर पहले बैंक को बाथरूम में पकड़ा था। वो लिन को एग्जाम कंप्लीट करने को कहता है, जिस पर लिन उसे कहती है कि आपको दिखाई नहीं देता मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर वो आदमी उसे अपने साथ चलने को फोर्स करता है, लेकिन जाते जाते लिन अपना फोन किसी की बैग में डाल देती है। दरअसल लिन ने उस इन्विजिलेटर के वहां आने से पहले ही आंसर को सेंड कर दिया होता है। वहां पहुंचने पर लिन बैंक को इन्विजिलेटर के सामने बैठा हुआ देखती है। चूंकि बैंक और लिन दोनों एक ही स्कूल से थे, इसलिए इन्विजिलेटर को उन दोनों पर शक हो गया था, लेकिन बैंक उन सबको पहले ही बता चुका था कि लिन इन सब में शामिल नहीं है। अब अगले दिन लिन वापस अपने कंट्री आ जाती है, उसके फ्रेंड्स उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपने फादर को देखकर उन्हें गले से लगा लेती है और रोने लगती है, उसे दरअसल बैंक की बहुत फिक्र हो रही थी। अब कुछ दिनों के बाद वो बैंक के घर जाती है। वहां पहुंचने पर वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो घर अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां काफी महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी। लिन को समझ नहीं आता कि ये सब चीजें आखिर यहाँ कौन लाया। अब आगे बढ़ने पर उसे अगले कमरे में बैंक मिलता है। लिन उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है, जिस पर बैंक उसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तो यहाँ बहुत पहले ही आ चुका था और यहाँ मौजूद सारी चीजें मैंने वहाँ मिलने वाले पैसों से ही ली है। और इसके बाद वो लिन को एक और होने वाले इंटरनेशनल एग्जाम का पोस्टर दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये एग्जाम अगले महीने होने वाला है और इससे हम बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिस पर लिन उसे कहती है कि ये गलत है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुम्हें भी ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन बैंक उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जाम में चीटिंग करवाने में तुम भी मेरे साथ थी। लेकिन लिन उसे मना करके वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम लिन को एक ऑफिसर के सामने बैठे हुए देखते हैं। उसने अब एग्जाम में चीटिंग करवाने वाली बात को कबूल कर लिया था। वो उनको सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिर कैसे उसने इसे प्लान और इम्प्लीमेंट किया और किसके साथ किया, यानी कि उसने अब अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। बाहर खड़े उसके फादर के चेहरे पर एक सुकून, एक खुशी थी, क्योंकि आज उनकी बेटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको सुधारने की कोशिश जो की थी। और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।